Co-powered by Techno. क्वाड मीटिंग में बड़े समझौते होने की उम्मीद भी नजर आ रही है। समंदर में IPMDA का विस्तार संभव है, हिंद महासागर में समुद्री समझौते का विस्तार संभव है और समंदर में चीन को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। चीन में इसी तरह का G2 होता है लेकिन इसको छोड़कर क्वाड बनाया गया। क्वाड की शुरुआत 2007 से हुई थी और फिर उसके बाद से ही लगातार क्वाड बढ़ता चला गया। तो जो समंदर की रणनीति है, कैसे इसके जरिए आगे बढ़ना है, ये क्वाड में तय होता है। तो क्वाड का जाल समंदर में घिरेगा ड्रैगन, सवाल तो यही है जिस तरह से ये पूरा अगर संगठन देखे काम कर रहा है। देखिए क्वाड की बात करें तो क्वाड समिट में समुद्री समझौते का विस्तार मुमकिन है, जो अपने आप में चीन के लिए एक तरीके का चिढ़ाने वाली बात या प्रोवोकेशन हो सकता है। हिंद महासागर में IPMDA का विस्तार होगा। जी हाँ, आज क्वाड बैठक के बाद घोषणा होने की भी उम्मीद है इसी ओर, और IPMDA विस्तार से चीन को बड़ा झटका जरूर लग सकता है। और ये इसीलिए क्योंकि IPMDA विस्तार से क्या कुछ मिलेगा आपको ये बताते हैं। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इसका मतलब ये है IPMDA। और इसके लिए जो विस्तार है, समंदर में जो रडार होते हैं, सैटेलाइट होती है, कई ज्वाइंट सेंटर्स होते हैं, इसकी संख्या को बढ़ाने पर जोर होगा। चारों में समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी भी से मिल पाएगी, इसका विस्तारीकरण हो पाएगा। काफी तेज, ज्यादा और सटीक जानकारी इसके जरिए IPMDA के जरिए हो पाएगी। चीनी जहाज या फिर पनडुब्बियां जो होती हैं, विमान वाहक की जानकारी भी इसके जरिए हो पाएगी। इसके अलावा जो जासूसी नौकाएं होती हैं, इसकी जानकारी भी दी जा सकेगी। महेश सचदेव सर, मैं आपके पास आ रही हूं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए भी जब से क्वाड बना है 2007 से लेकर 2017 तक, वो अमेरिका के लिए भी भारत एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। और क्वाड के ज़रिए जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एस्पेक्ट्स हमने बताए। जी, इसको मैं थोड़े अलग तरह से बताना चाहूँगा। आपको याद होगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में एक रशिया को और सोवियत यूनियन को कंटेनमेंट करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। उस स्ट्रैटेजी के दो हिस्से थे, एक इकोनॉमिक और दूसरा जियो स्ट्रैटेजिक। दूसरी जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बनाया और स्ट्रैटेजिक डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए नाटो को बनाया। इसी तरह से एशिया में अगर ये इसको प्रतिबिंबित करें तो एशिया में इन्होंने क्वाड यूरोपियन यूनियन के मुकाबले में बनाया है, और जो ऑकस बनाया गया है जैसा रविंद्र जी ने कहा, वो एक तरह से नाटो का प्रतिबिंब है। तो ये इस तरह से इसको ठीक है, परिस्थितियां अलग हैं और समय बदल चुका है, तो इसको उस नज़र से देखा जाना चाहिए। और एक तरह से ये डिनाइबिलिटी देता है क्वाड को कि चीन के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो की जा रही है वो सॉफ्ट पावर को इस तरह से प्रोजेक्ट करने के लिए की जा रही है कि चीन की सॉफ्ट पावर को रोका जाए। Co-powered by Techno.